एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा डिलीशियस सा चॉकलेट केक घर पर बहुत आसानी से। मैं ले रही हूँ 1.5 कप चॉकलेट प्रीमिक्स। ऑलरेडी आपके साथ प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए। अगर आप उसे बना के रख लेते हैं तो घर पे केक बनाना बहुत आसान हो जाता है। 4 चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाला है, हमारे घर का नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसमें हम आज ना तो दूध ना दही ना ही कोई विनेगर ऐड करेंगे, सिंपल पानी के साथ इसको घोल कर केक बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रहता है जब आप प्रीमिक्स बना के रख लेते हैं और उसके बाद फट से आपको बस इसको घोलना है और झट से बना लेना है। अब आपको बैटर तब तक अच्छे से घोलना है जब तक ये केक स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं ले लेता। और मिक्स अच्छे से करेंगे, कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए मिक्स करिएगा। और जब विस्कर से मिक्स हो जाए उसके बाद आप स्पैचुला से ज़रूर मिक्स कीजिए। इससे क्या है कि केक बैटर जो है जितना स्मूथ एंड सिल्की होता है केक उतना अच्छा बनता है। तो देखिए कितना अच्छा बैटर हो चुका है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं रिबन कंसिस्टेंसी बन गई है। अब केक टिन लिया है मैंने 6 इंच का, जिसके नीचे बेकिंग पेपर लगा लिया और साथ में उसको ऑयल से ग्रीस भी कर लिया। अब उसमें डाल देते हैं अपना सारा केक का बैटर और हमारा बढ़िया केक टिन रेडी है बेक होने के लिए। टैप करेंगे 2 से 3 बार और उसके बाद आप इसको 2 तरह से बेक कर सकते हैं, हर बार बताती हूँ। एक तो नॉर्मल कढ़ाई में पहले इसको 10 मिनट तक गर्म कर लो, फिर इसमें केक टिन रख कर पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे और फिर 25 मिनट तक लो फ्लेम पे। नहीं तो आप इसको 180°C पर 25 मिनट के लिए और प्री हीटेड ओवन में भी बेक कर सकते हो। 10 मिनट पहले प्री हीट ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसको चेक किया आफ्टर 30 मिनट्स और आप देख सकते हैं कि जो टूथपिक है वो कम्प्लीटली क्लीन निकल कर आया है। तो चलिए इसको कढ़ाई से अब बाहर निकाल लेते हैं। हमेशा केक को जब भी आप बाहर निकालें, फिर चाहे ओवन से या कढ़ाई से, उसको ढक कर एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर छोड़ दें जिससे कि पूरी तरह वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप इसको इजीली डीमोल्ड कर सकते हैं और केक आपका पूरी तरह बाहर भी निकलता है, टूटता नहीं है। अब ये देखिए बढ़िया स्पॉन्ज बनकर रेडी है। कितना सिंपल, कितना ईजी चॉकलेट स्पॉन्ज बन गया और काफ़ी सॉफ्ट भी बना है। अब इसकी लेयर्स कट करते हैं, क्योंकि मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करने वाली हूँ तो लेयर्स हमें चाहिए। तो पहले मैं सबसे नीचे की इसकी लेयर कट कर रही हूँ। मैं 2 लेयर्स पे कट करूँगी, आप 3 लेयर्स में भी इसको कट कर सकते हैं। और इस तरह से इसकी 2 लेयर्स कट हो गए। अब इसके बाद जो सबसे ऊपर का लेयर होता है ना, उसमें थोड़ा सा जो ये लेयरिंग है हार्ड हो जाती है, तो इस हार्ड सरफेस को मैं बिल्कुल पूरी तरह रिमूव कर दूंगी। इसलिए मैंने 2 लेयर्स कट की हैं, क्योंकि ऊपर का लेयर जो है वो काफ़ी इससे भी जाएगा। और फ्रॉस्टिंग करने के बाद आज का जो ये केक है ये 1/2 किलो का केक बनकर रेडी होगा। तो अब जो सबसे ऊपर का लेयर था उसको मैं नीचे रख के बना दूंगी। अभी फिलहाल पहले गनाश बनाते हैं। 3 चम्मच मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, नॉर्मल कट कर लिया है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच बिल्कुल गर्मा गर्म उबलता हुआ दूध डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। और मिक्स करते ही आप देखेंगे कि आपका जो चॉकलेट है मेल्ट होने लग जाएगी। अच्छे से मेल्ट करना है, कोई लम्ब्स ना रहें। उसके बाद आपका गनाश बनकर तैयार है। इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। अब मैंने 1 कप क्रीम ली है जिसमें 1.5 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है। केक में मैं शुगर सिरप अप्लाई करूंगी, इसलिए मैं क्रीम में मीठा ऐड नहीं कर रही हूं। अगर आप चाहें तो आप 2 चम्मच इसमें पाउडर शुगर ऐड कर सकती हैं, अगर बहुत ज़्यादा मीठा केक आपको पसंद हो तो। अब इसको बीट करेंगे और जब तक कि हमारे पास स्टिफ पीक्स ना आ जाए तब तक हम इसको लगातार बीट करते रहेंगे। अब देखिए क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो गई है, काफ़ी अच्छे स्टिफ पीक्स निकल आई हैं। तो चलिए अब अपनी आइसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर का लेयर है वो नीचे रख दिया है उल्टी साइड पे और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाना बहुत आसान है। 2 चम्मच चीनी को 4 चम्मच पानी में घोल लीजिए और शुगर सिरप रेडी हो जाता है। क्रीम जो हमने रेडी की है उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। पाइपिंग बैग में अगर डाल के अप्लाई करती हैं तो थोड़ा सिंपल होता है, आप चाहें तो डायरेक्टली स्पैचुला से भी लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे की लेयर को उल्टा करके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करेंगे, पहले शुगर सिरप और उसके बाद क्रीम। इस तरह से हमारा बेसिक जो एक फ्रॉस्टिंग है वो हो जाती है।
अब इसको अच्छे से क्रम कोट करना है। क्रम कोट का मतलब होता है कि जितना भी केक दिख रहा है ब्राउन पोर्शन, उसको हमें क्रीम से कवर कर देना है। इसको हम क्रम कोटिंग कहते हैं। और क्रम कोट करने के बाद आधा घंटा एटलीस्ट केक को फ्रिज में ज़रूर रखिए, जिससे कि उसकी क्रीम जो है पूरी तरह सेट हो जाती है। और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम फ्रॉस्टिंग करते हैं तो केक के टुकड़े टूट टूट के निकलते हैं, क्रीम के साथ मिक्स हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप क्रम कोट कीजिए, उसके बाद उसको फ्रिज पे रखिए आधा घंटा, उसके बाद फाइनल कोटिंग कीजिए। तो ये क्रम कोट करने के बाद मैं इसको फ्रिज पे रख दूंगी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें नज़र आ रहा है केक की थोड़ी थोड़ी ब्राउन पोर्शन। तो अब इसमें फाइनल फिनिशिंग देते हैं, दोबारा से अच्छे से क्रीम अप्लाई करेंगे और इसको फिर से हम फिनिश कर देंगे। क्रीम जितना अच्छे से आप अप्लाई करेंगे, केक उतना ही अच्छा निकलता है, उसकी लेयरिंग उतनी ही अच्छी निकल के आती है। अब मैंने एक स्पैचुला ले लिया है, ये स्क्रैपर है, और स्क्रैपर के थ्रू मैं इसे कर रही हूँ। एक साइड पे प्लेन होता है, एक साइड पे कोम्ब होती है। तो इस साइड से देखिए, प्लेन पूरी तरीके से ये स्क्रैप हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो कोम्ब है, उससे हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं। कोम से एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर हमारी केक की फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, या फिर हम बिगनर हैं, तो उसके लिए पता नहीं चलता कि केक की फिनिश कैसी है। बस उसको सिंपल डिज़ाइन बना दीजिए, ये देखिए, कुछ पता नहीं चलेगा केक के ऊपर से फिनिशिंग कैसी थी और कैसी नहीं। अब जो हमने चॉकलेट गनाश बनाया था, उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया, और इससे ड्रिपिंग डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ड्रिपिंग डिज़ाइन हमेशा ही केक में बहुत अच्छा जाता है, और ये काफ़ी सिंपल भी होता है, बट देखने में बहुत अच्छा रहता है। तो आज का ये केक देखने में तो बढ़िया है, बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन आपने देखा बनाना बहुत आसान है। तो इस तरह से ये हो गया इसका डिज़ाइन। अब मैंने ओपन स्टार नोज़ल लिया है और सेम क्रीम को ही उसमें फिल कर लिया, और उससे मैं बॉर्डर डिज़ाइन बना रही हूँ। ओपन स्टार बॉर्डर बहुत इजी रहता है और बहुत जल्दी बनता है, ये देखिए। आप कोई भी नोज़ल ले सकते हैं, सभी नोज़ल से आप बॉर्डर्स बना सकते हैं। फिर मैंने गनाश को ही इस तरह डिज़ाइन बना दिया, एक रफली डिज़ाइन, और उसके बाद जो उसी सेम नोज़ल से ही मैं इस तरह से अब फ्लावर जैसे स्वर्ल्स बना दूंगी, ये देखिए। बस राउंडल्स इस तरह से घुमाते जाइए और ये बनते जाएंगे, है ना आसान। बेकरी में इसी तरह के केक हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें लगता है अरे वाह, कितना एलिगेंट एंड कितना परफेक्ट केक है। लीजिए, घर पे बन गया बढ़िया एलिगेंट, बढ़िया परफेक्ट चॉकलेट केक, जो टेस्ट में लाजवाब है। और थोड़े से ऊपर से डाल दीजिए इस तरह से चॉको चिप्स, ये ऑप्शनल है। बस आपका बढ़िया चॉकलेट केक घर पर तैयार है। अब इसको 3 से 4 घंटे फ्रिज पर रखिएगा कट करने से पहले, और जब कट करेंगे तो देखिए, मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, इजीली कट हो रहा है। तो चलिए, अब इसको निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया केक बनता है इस तरह से, देखिए, अरे वाह। और लेयरिंग आप देख सकती हैं, मैंने आपको बताया, आप जितनी अच्छे से क्रीम लगाएंगे लेयरिंग उतनी अच्छी आती है। तो कैसी लगी आपको ये इजी, सिंपल, डिलीशियस, ब्यूटीफुल केक की रेसिपी? होप पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक देना मत भूलिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।